जय श्री राधे जी, वेलकम टू रंगेस्ट्रो। आपके हथेली के कुछ खास चिन्ह और उनका आपके जीवन पर प्रभाव। सबसे पहले मरकरी माउंट यानी कि बुध काय पर्वत क्षेत्र। आपके बुध के इस पर्वत क्षेत्र पर जब भी आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति बनती है, ये आपके बौद्धिक विकास को सुस्त करने का काम करती है यानी कि कमजोर करने का काम करती है। इसके फलस्वरूप होता यह है कि बदलते हुए परिवेश के साथ आप सामंजस्य नहीं बिठा पाते और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सही हल निकाल पाने में सक्षम नहीं होते। आप भविष्य को लेकर योजना नहीं बना पाते और एकेडमिक रूप से काफ़ी पिछड़ते चले जाते हैं। इस कारण आपके अंदर जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी भी प्रतिभा भी होती है, वो भी कालांतर में आपके लिए किसी प्रकार से फलदायी नहीं होती और आप सामान्य जीवन में उलझ के रह जाते हैं। आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो आपका ही नाश करना शुरू कर देती है। इसके अलावा जब आपके हथेली में सूर्य के क्षेत्र से लेकर शनि के क्षेत्र तक या शनि के क्षेत्र से लेकर सूर्य के क्षेत्र तक एक सीधी आड़ी रेखाओं की स्थिति बनती है, तो ये आपके जीवन में ग्रहण दोष को लाने का काम करती है। इसे आप कैसे जान सकते हैं कि आखिर आपके ऊपर ग्रहण दोष का प्रभाव है, इसकी तस्दीक कैसे करें? जब से आपने होश संभाला है तब से अब तक आपने पूरी ईमानदारी से अपने जीवन में कुछ खास प्राप्त करने के लिए जो मेहनत की है, वो करने के बाद भी, डिजर्व करने के बाद भी अगर आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है और ऐसी कोई रेखा आपके हथेली में है, तो स्पष्ट तौर पर समझ जावे कि आपके ऊपर ग्रहण योग का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति अत्यधिक ज्ञानी होता है, व्यक्ति के अंदर ज्ञान भरा पूरा होता है, व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, बहुत ईमानदार होता है, लेकिन जो उसे चाहिए लाख मेहनत करने के बाद भी उसे प्राप्त नहीं होते। ऐसे व्यक्ति को कुंठा घेर लेती है, अवसाद आपके आसपास बढ़ता चला जाता है और कहीं ना कहीं आप खुद को कमजोर महसूस करना शुरू कर देते हैं और इस कारण आपका अपने ऊपर से विश्वास उठना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपका खुद पर से विश्वास खत्म होता चला जाता है, आपके ऊपर औरों का भरोसा भी कम होता चला जाता है और आपका जीवन बिल्कुल अंधेरे की तरफ बढ़ता चला जाता है। समय रहते एज पर पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी जो इसके रेमेडीज है, सॉल्यूशन है, उसके अनुसार कार्य करके व्यक्ति को इससे बच के बाहर की तरफ आ जाना चाहिए। तीसरी स्थिति, जब भी किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा छोटी होवे या आपके जीवन में उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज यानी कि अवसरों को लाने का काम करती है और ये जितनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, आपके जीवन में मेहनतों की अधिकता और उसके मुकाबले फायदे की कम स्थिति को स्पष्ट तौर पर दर्शाने का काम करती है। ये जितनी ज़्यादा छोटी होगी, व्यक्ति उतना डायनेमिक होगा, उतना ज़्यादा स्मार्ट रूप से काम करने वाला होगा, यानी कि स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति अपने आप में एक पूरी दुनिया की तरह काम करने वाले होते हैं और एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व कर पाने में लीडरशिप क्वालिटी के साथ, नेतृत्व क्षमता के साथ आगे बढ़ पाने वाले होते हैं। व्यापारिक गतिविधियों में भी ये अपना लोहा मनवा के आगे की तरफ बढ़ते हैं और जीवन में काफ़ी सुख को प्राप्त करने की स्थिति में आते चले जाते हैं। इनकी स्वीकार्यता कभी कम नहीं होती, साथ ही इनका सूरज कभी अस्त भी नहीं होता। लेकिन ठीक इसके अनंतर अगर ये रेखा बहुत ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ती चली जाए, आपके जीवन में बातें बहुत ज़्यादा होंगी, काम बहुत कम होगा, मेहनत बहुत ज़्यादा होगा, पैसे बहुत कम होंगे, वहीं ये रेखाएं अगर टूटे या नीचे की तरफ बढ़ती चली जाए, आपके जीवन में नैतिक पतन शुरू हो जाता है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं नैतिक पतन के शिकार होकर कैरेक्टर पर, दुनियादारी, संस्कार वगैरह भूलते चले जाते हैं और इनका जीवन अधोगति को प्राप्त होता चला जाता है, जिसमें दूसरों की नज़र में इनका कोई मान सम्मान नहीं रह जाता। इसके अलग कुछ और रेखाएं हैं, जैसे शनि की रेखा। शनि पर यहाँ अगर सीधी रेखा नीचे की तरफ आती है और बिल्कुल त्रुटिहीन है, यानी कि एक अच्छी गुलाबी रंगत के साथ महीन स्थिति में और जितनी ज़्यादा सीधी हो सके नीचे की तरफ आ रही है, यह आपके जीवन में उतनी ही ज़्यादा शुभ फलों को लाने का काम करती है, अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने का काम करती है और आप भाग्यशाली होते चले जाते हैं। जिसे भी छूओगे ना वो सोना हो जाएगा, ऐसी स्थिति होती चली जाती है। लेकिन अगर यही कहीं से भी टूटी फूटी हो, बहुत ज़्यादा शाखाएँ निकली हो, तो सुस्त रफ्तार से आपको वृद्धि की तरफ ले जाएगी, यानी कि बहुत स्नेह स्नेह धीरे धीरे। कैसे? देखो, आपने अपने गार्डन में कोई पौधा लगाया होगा, ठीक है, उसे आप अगर चाहते हो कि तेजी से ग्रो करें, तो आप क्या करते हो, अगर उसके नीचे देखोगे बहुत सारे खरपतवार वगैरह कुछ कुछ हैं, छोटे छोटे बहुत सारे हो गए हैं, आप उसे हमेशा साफ करते रहते हो, इसके अलावा उसमें बहुत सारी टहनियाँ हो गई हैं, तो क्या करते हो, उसे काटते छाटते रहते हो ताकि तेजी से आगे बढ़े। क्यों छाटते हो?
कुछ लोग दूसरे को देख के, और कुछ लोगों को ये पता है कि इसमें जितनी ज्यादा नीचे खरपतवार रहेंगे ना, इसकी जो एनर्जी इसे मिलनी चाहिए वो ये सब ले लेंगे, तो इसे बहुत कम मिलेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। शाखाएं ज्यादा रहेंगी तो इसकी एनर्जी डिवाइड होती चली जाएगी, तो ये उतनी ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन चीजों को हटा देते हैं ताकि पूरा इसे ही मिले और ये तेजी से आगे बढ़े। उसी प्रकार से जब आपके किसी रेखा में बहुत ज्यादा शाखाएं निकलने लगे तो समझ जाओ ये अड़चनों को बढ़ाने वाले हैं, रफ्तार को सुस्त करने वाले हैं। उसी प्रकार से इनर लाइंस जब बहुत ज्यादा आगे पीछे तेज गति से बढ़े या टेम्पररी लाइंस, तो समझ लो खरपतवार बढ़ गए हैं और वो आपके जीवन में स्पष्ट तौर पर अड़चनों को लेके आ रहे होंगे। आप पूरी मेहनत करोगे, पूरी सब कुछ करने के बाद भी उस अनुसार आपको वहां पर सफलता नहीं मिलेगी। बहुत मेहनत करोगे, पैसे नहीं मिलेंगे, सब कुछ करने के बाद भी जो चाहिए ना उनसे वो आपको दूर करके रखता है। तो बहुत ज्यादा लाइंस इसीलिए हमेशा आपके लिए हार्मफुल होती है। तो चीजों को देखते हुए जैसे हम खरपतवार हटा देते हैं, उसी प्रकार से एज पर एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री हमारे पास सोल्यूशन होते हैं कि कैसे इन रेखाओं से हम पार पाए और जो अपनी मूल रेखा है जो हमें जो फायदा देने वाली है उसे हम कैसे ग्रो होने दें, कैसे उसे बढ़ाने में हम मदद करें विभिन्न प्रकार की रेमेडी के द्वारा। तो जब यहाँ पर अगर मुश्किल रेखाओं से यानी कि इन खरपतवारों से शाखाओं से बिल्कुल अलग सीधी स्पष्ट रेखा है तो आपके जीवन में उतनी ही ज्यादा वृद्धि के योगों को बनाती है। इससे आपका आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सब पर बहुत बेहतर प्रभाव पड़ता है और आप बेहतर गति से आगे की तरफ विकास करते हैं। लेकिन जितनी ज्यादा मान लो टूटी होगी या कहीं ना कहीं से इसमें बहुत ज्यादा शाखाएं होंगी, एक से ज्यादा अनंतर रेखाओं की स्थिति होंगी, तो ये आपको भटकाएगी, एक मामलों पर पूरी तरीके से आपको निर्भर नहीं रहने देगी, फोकस नहीं करने देगी। इससे क्या होगा, आत्मविश्वास की कमी होगी और आप दो तीन जगह हाथ फैला लेंगे और चीजें आपके लिए मुश्किल होते चले जाएंगे। इन सबको साथ ही जीवन में इतनी ज़्यादा अड़चनें आएंगी, बार बार रुकावट किसी कारण से, किसी कारण से फैमिली, सोशल वगैरह वगैरह वगैरह, कि आप उन सब में फंस के कहीं ना कहीं उलझे हुए खुद को महसूस करेंगे। किसी भी चाहे सूर्य की रेखा हो, चाहे शनि की रेखा हो, चाहे गुरु की रेखा हो, अगर जो ये बताया है वैसे सिस्टम में अगर तेज गति से ग्रो करिए तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर बहुत सारे जो अड़चन बताए हैं आपको वैसे हैं तो उसका पूर्ण फल आपके जीवन में नहीं मिल पाता है। इसके अलावा देखो हृदय रेखा की इस स्थिति को देखो, यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल आगे की तरफ गई है, फिर से आके मुड़ गई है। इससे क्या होता है, व्यक्ति अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारता है और अपने किए का फल भोगता है, खुद से ही खुद के लिए अड़चनों को बढ़ाने का काम करता है। और एक किस स्तर पर होता है, बहुत ही क्लोज होता है, यानी कि जैसे कि किसी भरोसे वाले को धोखा देना, कई दफ़े अपने जो आपके इमोशंस हैं उसका गलत फ़ायदा उठाना, किसी मासूम के साथ किसी प्रकार से धोखा कर देना वगैरह जैसी चीज़ों को, और ये आपके लिए बड़े नुकसान का काम करता है। कुछ अन्य रेखाएं हैं उस पर भी गौर करेंगे, जैसे कि आपके अंगूठे के क्षेत्र पर तिल की स्थिति का होना, देखो ये भ्रम को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, सही गलत के बीच आप भेद नहीं कर पाते क्या सही है क्या गलत है, कई दफ़े आप गलत के साथ आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं और वसूल संस्कार वगैरह जैसी चीज़ों को आप पीछे छोड़ते चले जाते हैं। हालांकि कालांतर में ये आपके लिए बड़ी दुखदायी होती है और जीवन को बड़ी पेशोपेश में डालने का काम करती है। इसके अलग एक और रेखा है, जैसे कि सामान्य जो यहाँ पर रेखा होती है आपकी थंबाई, उसके अलग ऊपर के क्षेत्र में जब ये रेखाएं ऐसी चलने लगे तो समझ जाओ कि जीवन में आने वाले समय में आप आफ्टर 35 आफ्टर 40 आप किसी बड़ी मुश्किल में उलझने वाले हो, जहां से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। कुछ है जिसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है और उसका प्रभाव आपके लिए बहुत ही दयनीय होने वाला है भविष्य में कभी, और जिसका कहीं ना कहीं आपको आभास है, और उसे बचाने के लिए आप और भी ज़्यादा कुछ गलत करने वाले हो या करोगे ही निश्चित है। ऐसी चीज़ों को भी दिखाने का कई दफ़े काम करता है। तो ये तो कुछ खास रेखाएं और उनके मुख्य प्रभावों के बारे में आपने जाना, आने वाले कुछ वीडियोज में और भी नई चीज़ों को जानेंगे, बिकॉज रियल एस्ट्रो मीन्स रंग एस्ट्रो और कोई नहीं कहीं नहीं। मिलते हैं फिर, जय श्री राधे।